आपने कभी ना कभी हैंडपंप से पानी पिया ही होगा, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि जमीन से पानी कैसे ऊपर आता है? सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी। हैंडपंप में तीन पार्ट्स होते हैं, हैंडल, पाइप और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेंडर, जो ऊपर हैंडल और नीचे पाइप से कनेक्ट होके जमीन के नीचे पानी से टच होता है। अब आप देख रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर क्या होता है। सिलेंडर के अंदर एक प्लंजर होता है, जो आपने कभी ना कभी पिचकारी में देखा होगा। प्लंजर हैंडल से मूव होता है, जिससे प्रेशर बनता है, जिससे पानी ऊपर आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हम हैंडल वापस छोड़ते हैं तो प्लंजर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और प्रेशर खत्म हो जाता है, जिससे पानी नीचे चला जाता है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सिलेंडर के अंदर लेदर वाल्व लगा दिया जाता है, जिससे पानी ऊपर तो आ सकता है लेकिन वापस नीचे नहीं जाएगा। फिर हैंड पंप में प्लंजर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के बाद अगला स्टेप होता है इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना। फिर प्लंजर डूब जाता है और प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे पानी हैंड पंप से बाहर आता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरी चैनल क्विक स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले।